नमस्कार, आपका बीजी टेक चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण पौधे से परिचय करा रहे हैं। इसका नाम जो है कल्प वृक्ष, कल्प तरु और अनेक नामों से ये हमारी भारतीय संस्कृति में जाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम है एडेंसोनिया डिजिटाटा और ये नाम इसका एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल एडिनसन ने जब सेनेगल में इसको पहली बार देखा तो उनके सम्मान में इस पौधे का नाम जो है एडिनसोनिया डिजिटाटा रखा गया। वास्तव में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है और ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ वृक्ष है और इससे जुड़ी जो हैं पौराणिक कथाएं भी देखने को मिलती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो 14 रत्न निकले उसमें जो है कल्प वृक्ष भी निकला और इस कल्प वृक्ष का जो है उपयोग इंद्र ने अपने सरमन वन में लगा के रखा। और कहा जाता है कि किसी बात से छुप होकर फिर इंद्र ने इसको पृथ्वी वापस फेंक दिया और ये उल्टा गिरा। और ये बात इसलिए भी प्रकाशित हुई क्योंकि जब ये वृक्ष जो है सूखने मतलब पत्तियाँ इसमें नहीं होती हैं तो तमाम शाखाएं नग्न होती हैं और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जड़ें ऊपर हों और बाकी चीज़ें नीचे हों। इसकी एक और मान्यता ये भी है कि इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होती है। ये वृक्ष जो है अपने आप में बहुत कुछ बात कहता है, समझाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दीर्घायु वृक्ष है और ऐसा माना जाता है कि कई हजार सालों तक ये जीवित रह सकते हैं और इनके इस गुण के कारण इसमें जो है ये वायु के प्रदूषण में बहुत काम आते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने में काम आते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो है इसके अलावा इसमें औषधीय महत्व भी बहुत है, जो तमाम रोगों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी जो है पेट दर्द या और दूसरे जो रोग हैं उसमें इसकी पत्ती और फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको जो है अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीजों के माध्यम से इसको लगाया जा सकता है। अभी कुछ वर्षों में कलम के माध्यम से लगाने का प्रयास किया गया है। और अगर हम ये देखें कि इस वृक्ष से जो जुड़ी हमारी परंपराएं हैं वो सामने आती हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है और ये लगभग जो है कई सालों तक जीवित रहने के कारण वनों में जो है ये ऋषि मुनियों को जहाँ भोजन भी उपलब्ध कराते थे। तो इनमें एक और जो महत्वपूर्ण क्षमता है कि ये पानी को स्टोर कर लेते हैं, पानी के धारण कर लेते हैं और इनको जो है लगाने में कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। कम जल में भी और ऐसी भूमि जहाँ की बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर इनका उपयोग किया जा सकता है। हमारे वनस्पति उद्यान में ये जो है दो वृक्ष हैं, एक लगभग 60 वर्ष से यहाँ पर ये स्थापित है। शहर में भी दो तीन जगह ये वृक्ष है और कई और स्थानों में भारत में ये वृक्ष देखा गया है। जैसे ग्वालियर में एक स्थान पर लगभग ये माना जाता है कि 2000 वर्ष पुराना है। अजमेर में भी इस वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और दुनिया के अलग देशों में भी
ये वृक्ष पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष जो है हमारी संस्कृति, परंपरा, पर्यावरण, इस सब का संरक्षक है। और हमारे उद्यान का उद्देश्य भी यही है कि हम इस तरीके के महत्वपूर्ण वृक्षों का संरक्षण करें, उनका जो है लाभ और उनसे होने वाले जो और उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाएं। तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी जन तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।